हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट मार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शाही किला लाहौर की। मैं आपको बल्कि विजिट करवाना जा रहा हूं। ये खैरियर एक स्टूडियो है, मैं अभी ले चलता हूं आपको शाही किला लाहौर में। ये देखे जनाब, शाही किला लाहौर का ये लेजेंड है, यानी कि वो नक्शा, वो जो हम जगह विजिट करेंगे, ये उनकी डिटेल लिस्टेड जो शाही किला लाहौर के बाहर आपको मिल जाएगी कि आप कौन कौन सी जगह जो है वो अंदर विजिट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 30 से 35 ये जगह है। और लो भाई, हमने टिकट परचेज कर लिया हुआ है। 50 रुपये का टिकट था। हाँ, अगर कोई अब्रॉड का बंदा यहाँ पर आता है तो उसका टिकट जो है वो 500 रुपये है। अब उसमें क्या खास बात है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी हो सकता है कि अंदर चल के हमें पता चले कि शायद अंग्रेज़ों के लिए या बाहर के जो लोग हैं उनको कोई स्पेशल कोई सिक्योरिटी दी जा रही है, या फिर किस वजह से उनकी जो टिकट है वो 50 की बजाय 500 रुपये है। तो लिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं शाही किला लाहौर का एक स्टार्ट से कि ये इसका एंट्रेंस जो है, मतलब एंट्रेंस के अंदर एंटर होने के बाद ये स्टार्टिंग वो एरिया जो मोस्टली सिक्योरिटी के लिए है। ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से आपने जैसी एंट्री की है अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंदर जाने के बाद ये आपकी आती है सेकेंड एंट्रेंस, जो बेसिकली शहनशाह, बादशाह और राजा और इन सब की रिहाइश गाहें यहाँ पर थी। तो ये इनका एक किस्म का पार्किंग एरिया कह ले, जहाँ पर ये अपने घोड़े और अपने बाकी जो इतने सवारी हैं वो खैर पार्क करते होंगे। तो भाईजान, ये सीढ़ियाँ जो ऊपर के फ्लोर तक जाती हैं, ये नीचे ये है जनाब डेटिंग पॉइंट। अगर नहीं यकीन तो मैं आपको प्रूव करता हूँ कि ये डेटिंग पॉइंट ही है। ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जनाब ये शीदा लव मीदा और ये जनाब इनके प्यार भरे इजहार जो है यहाँ पर हो रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले बिल्डिंग आप देख लें एक बार, ठीक है। ये बिल्डिंग बेसिकली एक हमारे जो तारीख है वो बताती है, लेकिन यहाँ पर आके कुछ छड़े छाण लोग, कोई कपल झपल और क्या कुछ, ये अपने जो है ना क्या कहते हैं प्यार भरी दास्तानें यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं, ताकि हम रहे ना रहे हमारे बाद जमाना याद करेगा हमें फ्राइडे सुबहान हसन शान के नाम से। वाह भाई वाह, क्या बात है बॉस जी। ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, लेकिन फिलहाल ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, ठीक है। ऊपर जाने का जो वाहिद एक रास्ता इन्होंने दिया है वो है ये सामने की सीढ़ियाँ, जो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, जहाँ से हम लोग जो है वो ऊपर का सफ़र जो है तय करेंगे। ये सीढ़ियाँ, खैर बादशाह ने अपने टाइम में अपने महल में सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमराज भी इन्फ्ट किए हुए थे। नहीं यकीन तो ये देखें भाई, अब जूम करो, ये चीज मेरे अजीज नजर आ गया होगा। खैर, मुझे महल के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से मैं महल की जो वीडियो है वो आपको, ये मतलब वीडियो पूरी बन गई है लेकिन बैकग्राउंड में अभी प्यारा सा कोई म्यूजिक लगा के, तो जो दोस्त जिनका इशू होता है कि यार म्यूजिक हम लगाएंगे तो वो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, उनको मैं बताता चलूं कि वो आप यूट्यूब के स्टूडियो में जाके वहां पर आपने ऑडियो लाइब्रेरी में जाना है और वहां से कोई भी प्यारा सा म्यूजिक आप डाउनलोड करें जो आपको समझ लगता है। वहां पर बहुत ज्यादा म्यूजिक पड़े हुए हैं और अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये शीश महल लाहौर है, अपना शीश महल है शाही किला का, ठीक हो गया, जो तकरीबन ये सन 1600 के आसपास जो है ना वो में ये तामीर हुआ था, जिसके अंदर पूरा ये शीशों से काम किया हुआ था, लेकिन अभी वक्त के गुजरते यहाँ पर जो है वो चीज़ अभी नहीं रही। तो भाईजान, मैं अपनी आवाज़ अभी म्यूट करने लगा हूँ और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं बोलूँगा, लेकिन अभी के लिए आप जो है वो एक बार शाही किला की तसल्ली से जो है वो सैर करें। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लाजमी इस वीडियो को पूरा देखें, तसल्ली से देखें, आपको बहुत एक पुरसकून ये वीडियो उम्मीद है पुरसकून ही लगेगी। ये मार्बल का काम, या ये 1600 ईस्वी में ये मार्बल लगा के उसके ऊपर रगड़ाई की गई, तो सोचो वो कैसी टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करते थे। और ये एक रूम, आपको इस रूम की खासियत बताऊं, इस रूम में ना तकरीबन कोई 10-12 कमरे हैं, अब 10-12 दरवाजे हैं, तो आप जिस दरवाजे में खड़े होंगे वहाँ पर मेन पे खड़ा हुआ बंदा आपको नजर आएगा, यानी कि आप रूम के अंदर हैं और वहाँ बाहर जो है वो कोई महफिल चल रही है या कुछ भी है तो आपको वो नज़र आएगा। या देखे पहले दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से, या तीसरे दरवाजे पे आ जाते हैं, यहाँ से भी आपको ये चीज़ इन फ्रंट ऑफ जो नज़र आएगी। बाकी ये दरवाजों में रेनोवेशन का काम जो है वो कुछ हो रहा है, जिस वजह से वहाँ पर पर्दे लगाए हुए हैं। ये आप अगर उससे अगले वाले दरवाजे में आ जाते तो और बैक पर देखते तो आपको फिर वही चीज़, वही पॉइंट जो है वो नज़र आता है। और ये ऊपर की तरफ शीशे लगे हुए थे जिसकी
रोशनियाँ बाहर से आके टकरा के आपस में तो इस कमरे को रोशन करती थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये शीशों वाली जगह जो है, लेकिन खैर अभी शीशे जो हैं वो ऑलमोस्ट उतार लिए गए हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ जो है वो गिर गए हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पर ये मामला कुछ ऐसे रहे हैं। खैर तो अभी आप वीडियो को इंजॉय करें। ये रानी के महल की वो जगह है जहाँ से रानी बाहर खड़ी हुए देखती थी कि कोई आया कोई नहीं आया, होता दरवाज़ा खड़किया या देखी जरा बाहर कौन आया, कोई नहीं नाल गवांडन आई है चीनी लैन, अच्छा चल ठीक है दे दे कोई नहीं, मैं जरा सुती हुई हैं। और खैर तो वीडियो का बाकायदा आगाज तो हो चुका हुआ है, बस ये कि अभी आप इस वीडियो को, इस जगह को जो है वो इंजॉय करें। ये दरवाजे कमोबेश 400 साल पुराने हैं, 400 साल, लेकिन अभी तक आप ये देखें कि ये ना दीमक ना सेंक, लेकिन उसी तरह मजबूती अभी तक है। यहाँ पर कोई बंदा जंगल पाने के लिए गया और उसने देखा बादशाह सलामत के महल के पास राजा और रानी आपस में छुप छुप के मिलने आए हुए अपनी सखियों के साथ। बस उसने के क्या कहते हैं तस्वीर कशी की है और करने के बाद ले गया बादशाह के पास। बादशाह सलामत, ऐ देखो जनाब प्रूव के ढाडी कुड़ी जेरी है ना लोग के नाल वाले सल्तनत के बादशाह के बेटे को मिलती। बस उसके बाद उन्होंने शादी की तैयारियां किया। तेरी खैर जनाब, लो भाई बारात आ गई है, यहाँ पर बैठे हो दोनों समधी आपस में, और यहाँ पर जनाब दुल्हन भी जो है वो रेडी है और उसकी डोली भी हो गई है तैयार। लेकिन मसला यहाँ पर ये आया कि लड़की वाले बादशाह ने कहा भाई हमने आपको कहा था कि आपने 10 बंदे लेके आने हैं, आप बंदे जो हैं वो ज़्यादा ले आए हैं। ठीक है, क्यों भाई ऐसे ही है? हाँ जी भाई, आ जरा गिर के आई हो जरा, लो भाई बंदे काउंट करें, ये तो 1 2 3 4 5 भाई ये तो बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, ये तो 10 है ही नहीं भाई, आपने बंदे ज़्यादा नहीं लाने थे, 10 लाने थे, हमने आपको कहा था। लो अब ओ भाई न समझिया करो, बंदे बिचो 10 ही ने, बाकी सारियाँ चवलां ने चवलां। सन 1600 समथिंग ईस्वी में ये मार्बल तब से लगाई हुई है, और ये देखें कि भाई मार्बल की रगड़ाई और ये मार्बल का ये लगाना। अब बंदा पूछे कि यार इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम कहाँ से आई, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, यानी कि उसके बाद इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को सिर्फ महल और ये शीश महल और इसके अलावा बाकी अपनी जो बिल्डिंग इमारतें इसी बनाने में इन्होंने लगा दिए, जबकि उस टाइम यही टेक्नोलॉजी जब यूरोप के पास आई तो यूरोप ने उस चीज़ को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपने एजुकेशन
एजुकेशन सेंटर में इंप्लीमेंट किया और दैट्स वाई आज उनकी एजुकेशन सिस्टम उनका जो है वो वर्ल्ड टॉप क्लास जो है वो चल रहा है, जबकि जो हमारे एरिया है यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपनी ऐश और शिरत के लिए सिर्फ वो क्या कहते हैं जो भी है मखसूस कर दिया गया है। खैर शाही किला में एक चीज़ जगह आती है जिसको कहते हैं मुग़ल गैलरी, जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस कह लें और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ें, उस टाइम के सिक्के, उस टाइम के तहरीरी खत, उस टाइम के उनके अकवाल ज़री, और इसके अलावा हाथी दांत से बना हुआ एक खूबसूरत महल, ये सब चीज़ें जो है वो मुग़ल गैलरी के अंदर जो है वो रखी गई हैं। और वो बड़ा बेहतरीन किस्म का ये मतलब एक गैलरी है। अभी आपको मैं उसका एक विज़िट करवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि उस टाइम के लोगों ने मतलब कितने बेहतरीन किस्म की जो है वो कारीगरी करते थे। लेकिन वो कारीगरी शायद वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए, या इनके जो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर इनकी बेसिक इनकी थी वो यहाँ से जो है वो यूरोप मुंतकिल कर दी गई।
मुगल दौर की हुकूमत कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी ये इस नक्शे से वाजे होता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और ये वाले सारे जो एरिया है ये इसके अंदर आता है, बांग्लादेश समेत। तो उसके साथ ये ऑरेंज है, ये चाइना का एरिया आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर सुनवाई होती थी या समात होती थी कह सकते हैं, बाकी जो उस एरिया के लोग होते थे और वो यहाँ पर आके अपने जो है वो तकलीफें, दुख, शिकायतें जो है वो बयान करते थे और बादशाह यहाँ पर जो है वो उनको उनकी कार्रवाई जो है वो उस हवाले से किया करते थे। नाजरीन ये है सिख आर्ट गैलरी। खैर यहाँ पर आर्ट के नाम से तो अभी तक कुछ भी नहीं है, ये जगह सारी खाली हो गई है, यहाँ से उठा के जो है वो मुग़ल गैलरी में सामान जो है वो रख दिया गया है, यहाँ से जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी गई हैं। बस ये है कि ये एक निशाने के तौर पर है कि यहाँ पर जो है इस जगह को जो है वो सिख आर्ट गैलरी जो है वो कहा जाता है। तो बाकी फ़िलहाल लोगों यहाँ पर मौजूद है जो ये आप देख सकते हैं सिख आर्ट गैलरी के नाम से। कुछ
कुछ लोकेशन ये बताई हुई हैं, अकबरी हमाम है और जहांगीर का अहाता है, और उसके अलावा जहां पर तमाम बादशाह के जो शहजादे होते थे उनको एक स्पेसिफिक जगह होती थी जहां पर उनका अहाता होता था, उनके रूम्स होते थे और उनके अपनी सुनवाई के लिए जो है वो जगह होती थी, और समझ लें कि एक उनका एक अलहदा ही महल के अंदर उनका एक अलहदा महल होता था, या किले के अंदर एक अलहदा महल होता था, यूँ कह सकते हैं। इस जेल के बाहर या अंदर किसी किस्म की कोई तहरीर नहीं थी। अब ये ना जाने ये किसके लिए इतना बेहतरीन खूबसूरत कैद खाना होता था कि जेल भी हो, अंदर और बाहर स्विमिंग पूल, मार्बल टाइल, ये सब कुछ। और मेरे ख्याल से शायद कुछ स्पेशल शख्सियात को अगर कैद करना होता था कि उनके लिए स्पेसिफाई एक जगह जो है वो बनाई गई थी, और जिससे मिलना हो वो भी मिलने के लिए यहाँ पर आता था। खैर, ये बारूद खाना, शीश महल, मसमन दरवाज़ा, हाथी पैर, और ये इनकी लोकेशन जो है वो बताई हुई है यहाँ पर। हम दूसरी तरफ आ जाते तो काला बोर्ड, लाल बोर्ड, मतलब ये काली और लाल है, ये बेसिकली दो बड़े बड़े दो ये कमरे हैं, ठीक है, जिसको ये काला बुर्ज और लाल बुर्ज का जो है वो नाम दिया हुआ है। भजन ये है इसके ना लाल बुर्ज के जो अंदरूनी मनाजिर हैं वो वाले। अब ये वाली जगह है जिस जहाँ से जो है ना वो अंदरूनी सरोंगे जो डायरेक्ट बाहर तक जाती है। ये सीढ़ियाँ भी हैं जहाँ से कोई माल वगैरह सप्लाई करना होता था, कोई लेके आना होता था छुपे हुए रास्ते से ना, ये इधर से आता है। ये हैं बारूद खाने के बाहर के मनाजिर। अंदर जाने की और अंदर जाके वीडियो बनाने की इजाज़त खैर नहीं मिली थी, अंदर जाने की इजाज़त तो मिल गई थी, वीडियो की नहीं। खैर एक बंदे से मैंने जो है ना मामला तय किए तो ये इजाज़त मिल गई।